उस चीज को वहीं छोड़ देना बेहतर है जो जिल्लत का बायस बने एक चीज जो गुस्से की हालत में आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है वो है आपकी जुबान अकल एक ऐसी चीज है जो इंसान को जानवरों से अफजल बनाती है इंसाफ के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता जो इंसान अपनी दौलत को खर्च नहीं करता वो अमीर नहीं है अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो उस रास्ते पर ना जाएं, जहां बहुत ज्यादा रश हो हमेशा उन लोगों का साथ दें जिन पर झूठा और नाहक इल्जाम लगाया जाए आपका मुंतख शुदा रास्ता चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो लेकिन वो एक बेहतरीन रास्ता जरूर होना चाहिए किसी पर तवक्को रखने की बजाय मेहनत करके खुद को अजीम इंसान बनाए जब तक लोग खुद से कमतर लोगों को तबाह करते रहेंगे वो सुकून और सेहत नहीं पा सकेंगे दिमाग की ताकत सुकून में है इसीलिए अपने जज्बात को हमेशा कंट्रोल में रखें झूठ बोलकर अपनी गलतियों को छुपाने से ज्यादा अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें एक दरवाजे के बंद होने पर दूसरे दरवाजे का खुल जाना कुदरती निजाम है लेकिन कई दफा हम बंद दरवाजे को ही देखते रहते हैं और अफसोस करते रहते हैं जिसम को मौत आती है करदार को नहीं अपने करदार को बेहतर बनाओ मौत के बाद भी तुम्हें याद किया जाएगा जो शख्स किसी बच्चे की मदद के लिए घुटनों के बल झुकता है वो अजीम इंसान है ऐसा काम कभी ना करें जिस पर आपका दिल मुतमिन ना हो रूह की तकलीफ का इलाज उम्मीद और सब्र है जो चीज आपके इख्तियार में नहीं है उसके लिए हमेशा तैयार रहें। कर्ज एक बेमंजल समंदर है आपकी बेफजूल बहस करने से आपकी जिंदगी में हर चीज खुद ब खुद तबाह होती जाएगी हर बेहतरीन काम शुरू में नामुमकिन होता है अच्छे और बुरे वक्त आते रहते हैं लेकिन हमारा मिजाज हमारी खुशकिस्मती से कहीं ज्यादा बदल जाता है तुम्हारी आंखें सिर्फ वो ही देखती हैं जो तुम दिखाना चाहते हो बुरा दोस्त जहरीले सांप से भी ज्यादा बुरा है हमेशा सच बोलें क्योंकि किसी भी काम में टाल मटोल करना झूठ की तरफ पहला कदम होता है किसी भी इंसान को बुराई पर मजबूर नहीं किया जा सकता उसकी रजामंदी ही उससे बुराई की तरफ मायल करती है गुलाम कौम के मियार भी अजीब होते हैं शरीफ को बेवकूफ मकार को चलाक कातिल को बहादुर और मालदार को बड़ा आदमी समझती हैं। घर की बात घर तक महदूद रखने से घर टूटने के अमकान काफी हद तक कम हो जाते हैं बहुत से मौजूद पर मुख्तसर बात करने से बेहतर है कि आप एक ही मौजू पर एक पर जोश और लंबी बात करें दोस्तों की मौजूदगी में जिंदगी खुशगवार होती है मोहब्बत की वो किरण जो इंसान के दिल में रोशन होती है उससे हालात की सख्ती भी बुझा नहीं सकती सुबह जागने के बाद अपने रोजमर्रा कामों की लिस्ट बनाएं और उन पर अमल करें जब कोई इंसान सच को छुपाता है तो समझो कि उसने एक कीमती चीज को दफन कर दिया है माशरे में इज्जत हासिल करने के लिए लोगों की मुश्किलात को कम करने में मदद करें मुश्किलात को बढ़ाने में नहीं नफ़रत दिल में कीना और बुक्स पैदा करती है जो आपकी आँख कान नाक और दूसरे अजा को भी मुतासर करती है इसलिए जो आपके खिलाफ बातें करें उन्हें भुला देना ही अक्लमंदी है रकावटों और मुश्किल के लिए परेशान मत हों, उनके पीछे बहुत सी हिकमतें हैं जी आपका रास्ता नहीं रोकती बल्कि आपको एक बेहतरीन रास्ते की जानेब ले जाती हैं जिंदगी में हमसे सरजद होने वाले चार खतरनाक कतल ज्यादा सोचने से खुशियों का कतल होता है खोफ की वजह से हौसले का कतल होता है झूठ बोलने से एतमाद का कतल होता है और शक करने से रिश्तों का कतल होता है दुनिया में शोहरत और कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान हमेशा इन चार चीजों पर कंट्रोल करता है ज़्यादा सोने से काहली से हवस से और गुस्से से ज़िंदगी में इज़्ज़त और दौलत हासिल करने के लिए पांच चीज़ों से जंग ज़रूरी है जिस्म की बीमारी से दिमाग की जहालत से दिल की जज्बात से शहवद की फितनों से और ख़ानदानों के झगड़ों से जब किसी के लिए आपकी जात और आपकी बात बेमायनी हो जाए तो रास्ता बदल लेना ही जहनी अजियत से बचने का बेहतरीन तरीका होता है जज्बात में आकर कभी भी अपनी जगह मत छोड़ें क्योंकि आपके मकाम पर काबिश होने के लिए हजारों लोग मुंतजर होते हैं आज के दौर में हर शख्स ये साबित करने में मसरूफ है कि मैं तुमसे बेहतर हूं अगर कोई शख्स उदास दिखे तो उससे नसीहत करने की बजाय हौसला दें